सीक्रेट। यार दिल्ली तो घूमने लायक जगह भाई, ये नहीं पता था दिल्ली हैपनिंग है। भाई मंगी वाली सीक्रेट आप दिल्ली की सड़कों पर उतर चुके हैं। हम लोग ना महिंद्रा के शोरूम जा रहे हैं, बोल रहे थे यार हम लोग महिंद्रा के शोरूम जा रहे हैं उनकी गाड़ी पिकअप करने, तो भाई तैयार हुए हैं, पूरे फुल ड्रेस्ड हैं। नीचे दिखाओ। मैं चप्पल में ऑफिस गया था क्योंकि ये उसकी पीली वाली चप्पल की ऐसी तैसी करता है, तो मैं नॉर्मल चप्पल पहन के गया था। बट फिर मेरे को फोन आ गया कि क्या आप खुद पिक कर सकते हो, क्योंकि वो डिलीवरी वाला कुछ तो बिजी है बेसिकली, वो आलस कर रहे थे। मैं कहा ठीक है मैं खुद पिक कर लूंगा, तो अब मैं ऐसे जैसे था वैसे जा रहा हूँ। भाई ब्यूटी इज इन दी इनसाइड नॉट आउटसाइड। नाना बंद कर दे आदमी फिर तो, और ग्रीन टी पीते हैं क्योंकि अंदर से ब्यूटीफुल हो जाएगा। अब बता, हमने इतनी दूर से एक तो कैब जो है ऑर्डर करके अपने घर तक, और फिर हम उसको चल के जा रहे हैं, हमारा वेटिंग का टाइम तो नहीं ऐड हो जाएगा। वो भी ऐड हो रहा है, वो भी ऐड हो रहा है। और शायद वहां जाए वो कैंसिल कर भाई, कस्टमर डिडंट शो अप। अरे भाई तूने भैया को बताया तेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए यूट्यूब पे? तू आप भी बांटो भैया खुशी। मैं खुद ही नहीं बोल रहा किसी को, शर्म के मारे 1000 ही हुए अभी तक। तुम्हें क्या लगता है हमने अपनी बड़ी बड़ी बॉडीज क्यों कर रखी है? अभी डिफेंडर की जरूरत है पर ये डिफेंसिव होता जा रहा है डे वाइड, तो डिफेंडर से करो भाई। अरे भाई डिफेंडर भाई बुड्ढों को मार देगी। मेरा खर्चा हुआ था 10 लाख रुपए का। कहता ये देखो वीडियो में कितना दिल अच्छा होना चाहिए, ये प्यारा वो प्यारा फेक है। अरे पर आप बोल रहे हो किसी ने अगर फोटो भी डाल दी तो आप फंस सकते हो, पर आप इसलिए खुद डाल रहे हो। अकेले ओल्ड मैन। मैं भाई सच शेयर कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, गलती हो गई, आई एम सॉरी। देखो मैंने सॉरी बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ ठीक नहीं है, एग्रेशन में हो जाता है ऐसा, गलत बात है। यही वो स्पॉट था आगे आने वाला, इधर आएगा अभी आएगा, इधर ही था एकदम इधर में मोड़ पे। फिर जो हुआ यू नो मेरे पे किया की गाड़ी। मेरे को ये पता है कि इंडिया में हुंडई के साथ उसने वो कर रखा, किया है किसकी, कौन सी कंपनी की, कौन सी कंट्री की, वो नहीं पता मेरे को। अमेरिका हो गया ज्यादा, कौन सी है, कौन सी अमेरिका है? कोरिया है। चल टाटा बता दे। टाटा तो यार ये होगी ये नाना सुमारा। होंडा है, होंडा होंडा भाई जापान जापनीज, क्योंकि भाई रियोत्सु में बैठा था कोची का होंडा। ये बंदा ऐसा है जब इसने जॉब ज्वाइन कर दी तो सबको पार्टी दी थी, हमने अप्रिशिएट किया था। इसने जॉब छोड़ी थी ना सबको पार्टी दी थी, क्योंकि भाई इसने टॉक्सिक जॉब छोड़ी। और मैं इसकी पार्टी में खाना खा रहा हूँ, मैं खुद से क्वेश्चन कर रहा हूँ खा क्यों रहा हूँ इसकी, ऐसी पार्टी देनी चाहिए क्या? खाने से तो भीख पसंद थी, ये पटेगा ये डरेगा तुरंत बोल देता है, ये चलते फिरते कट मारता है, ये नहीं चलेगा। मैं आग लगा दूंगा, तू कल नहीं आ रहा, मैं आग लगा दूंगा स्टूडियो में। क्यों सीलन आ रही है पूरी वहां पे, कुछ तो उसे वो वहम, तो आग लगा देगा। तू तो एयरटेल के ऑफिस में भी आग लगाने वाला था, वो तो लग चुकी उनके ऑफिस में, अभी फिर से लगेगी। एयरटेल को मैं कह रहा हूँ जो जो सब्सक्राइबर है एयरटेल से कनेक्शन कटवा दें। डिफेमेशन हो जाएगा क्या? हां भाई क्यों बोल रहा हूं, मैं तो कुछ भी बोल रहा हूं, मेरी बात पे यकीन ना करे, बस कटवा दें। भाई साहब बचपन में हम लोग जा रहे हैं भाई नैंडोज गए, कह रहा है वहाँ चलते हैं, सीपी में खड़े हमने कहाँ खाएं, कह रहा वहाँ चलते हैं नंदू चलते हैं। नंदू मेरा एक सरदार दोस्त था बचपन में, उसको हम नंदू बोलते थे, नंदू सबका बंधु। अबे हाँ यही बोलते थे भाई, तो NANDO नंदू, मैं तो बचपन से नंदू पढ़ा, मैं कहा हाँ भाई नंदू चलते हैं, मेरे को थोड़ी पता उसे नंदू बोलते हैं, नंदू सबका बंधु। तूने क्या क्या गलत बोला है ये बताएं? ये जबरदस्ती का विनायक है, ये ना विनायक कुरान खोलने लग जाएगा, प्रोपेगेंडा करता है तेरे खिलाफ है ना, तेरे को डिफेम करने का। प्रोपेगेंडा तो कुछ नहीं करता, गेंडा तू हुआ। मेरे लग रहा है इसमें हंसना सेम है इस बात में, अगर मैं हंसलिया तो मेरी हंसी आ गई भाई, मेरे को रात को बुरा लगेगा। हंसी आई मुझे भाई, तू क्या क्या बात हो गई। कहाँ आ चुके हैं फिर हम? डिलीवरी लेने आए हैं, गाड़ी वहाँ पे खड़ी हमारी। मैं कॉफी पीऊँगा 2 कप। अंदर हम क्या करना, कॉफी पीने बैठ जा भाई अंदर। तो यहाँ की घोड़ा तू अंदर क्या करूँगा, घोड़ा 15-20 मिनट में खाना अंदर। तुम क्या आते हैं कंसेप्ट के शोरूम में? तो गाड़ी भी नहीं है, कंसेप्ट शोरूम का दूसरी गाड़ी ले जाते हैं इनकी। बोल स्कॉर्पियो हो गई नहीं, स्कॉर्पियो दे दो। मैं नहीं देख रहा क्योंकि मेरा दिल सेट हो रखा है एक गाड़ी पे, मेरे को वही लेनी है। वो कौन सी गाड़ी है? हाई राइडर। आज तो बोलते हैं XUV 400। बेस्ट सीन ये हो गया कि भाई कॉफ़ी आ रही है 20 मिनट बैठने के बाद। कॉफ़ी बेस्ट चीज़ नहीं होगी।
पर सही बात है, पर शायद कॉफ़ी बेस्ट चीज़ ना हो, पर आ रही है वो बेस्ट चीज़ है। विनायक का मेरा बहुत पुराना एक रिश्ता है जो मैं सबके साथ नहीं शेयर कर सकता। इट इज़ नॉट व्हाट यू थिंक। वो मेरा बेटा, मैं उसका बाप। कुर्सी देखो जरा, कुर्सी तो नहीं है, कम है बहुत। पता ये कब इतना है, उसमें भी आधी है। नॉट एस्प्रेसो, ये एस्प्रेसो गाड़ी की तरह है वैसे, लाइक शिट। मैं कह रहा हूँ ये तो वो वाली है, मशीन वाली है, उसमें भी इसने आधी हुआ है। ये तो बटन दबा गई है। क्या है इसमें, क्या प्रॉब्लम? वो ही है, क्या है मतलब? इसको किल ट्रिप देनी पड़ेगी, तभी कुछ हो पाएगा। 10 मिनट बोल रहा है, 10 मिनट और भाई। ये क्या यार, इरोनिक की स्टोरी है। उसने ना क्रेटा से पहले ब्रेजा ली थी और इसको ब्रेजा टाइम पे मिली नहीं, तो इसको रोड पे एक जगह रेड लाइट पे एक ब्रेजा दिख गई और ये स्कूटी पे आ रहा था। इसने रोड के उसकी तरफ देखा, कुछ बिच करा उसके आरख में, उस गाड़ी में मार दिया और कैंसिल करवा दी बुकिंग। तब मैं अग्रेसिव हुआ करता था बचपन में, तब भी अग्रेसिव। अभी धीरे 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 बिल्डअप देंगे हम इस चीज़ को, ताकि इन दी एंड एक शर्म आए और खुद ही कर लो, खाओ यार पार्टी में, खिला दियो आज। अब डिनर ही हो गया, मैं क्या करूँ? तू यार क्यों करता है ऐसे भाई, मैं नहीं खिलाऊंगा तेरे को। मैं नहीं खिलाऊंगा तेरे को। हाँ रो गया, मैं अपने के क्यों तो खिला दे भाई। ये पूरे 100 रुपए के, 150 के। तेरा भाई नहीं हो? नहीं भाई नहीं है। नहीं मैं खिला दूँ, मुझे खिला दूँ राघव, उसको भी, राघव और अनंत को। ठीक है, तो अपना खा ली। जब भी सबसे पैसे देगा तब मैं बोल दूँगा कि हाँ दे दे दे, और फिर मैं कभी बाद में वैसे वो वापस करूँगा नहीं। तो ये गेम ब्रांड में हमेशा से यूज़ करता हुआ है। एक रुपया नहीं दूंगा, चिंदी हूँ मैं। फाइनली गाड़ी आ चुकी है और हम जा रहे हैं गाड़ी की ओर। ये हम चल रहे हैं गाड़ी की ओर। भैया गिरते गिरते बच्चा, भैया गाड़ी की ओर कैसी लग रही है भैया गाड़ी? अभी तो गंदी है, साफ हो जाए तो। हमें गाड़ी मिल गई है फाइनली, बहुत वेट कराया सच में, 1.5 घंटा लग गया, बट उसके बाद गाड़ी मिल गई है। गाड़ी में चार्ज भी नहीं है, तो इसलिए विनायक आज लकी हो गया, इसलिए हम सीपी जा रहे हैं। जब तक गाड़ी चार्ज होगी तब तक हम कुछ टाइम पास करेंगे। एक बंदे ने कमेंट किया कि वो 16,000 से कम में मिजोरम जा सकता है। मैं चार साल है मर, तो 2,000 रुपये में जा, मेरे को क्या। फाइनली पहुँच गए हम चार्जर पे, लो 819। साथ वाला चलता है क्या? कर रहा खराब है, हट। भाई दुआ करो, यही है यही है यही है, ये दोनों लग जाएंगे फास्ट हो जाएगा, दोनों लग जाएंगे फास्ट हो जाएगा। ये दो होते हैं ना। अरे भैया मौज कर दी, चलो भाई चलो, चार्जिंग होगा नहीं, करना पड़ेगा तेरे को। लगा दिया कह रहा चार्जिंग। ना इसको पता इलेक्ट्रिक कैसे करते, ना इसको पता इलेक्ट्रिक कैसे करते चार्ज। अब गए हम काम से, इस बंदे ने तो ये बोल दिया चलो भाई चार्ज। फाइनली ब्रो हो चुकी है चीज, कैसे हुई है इतनी सिंपल चीज, कैसे हुई है? इसने पैसे ट्रांसफर करे, इसको अभी भी नहीं पता है कैसे हुआ। भाई ये है भाई आयरनी। तो अभी अचानक से प्लान बनाए कि हम लोग यूलू बाइक करके घूमने जाएंगे, खाना खाने जाएंगे। पर हम उसे पैदल क्यों जाएं? पैदल क्यों जाएं? हम यूलू बाइक कर सकते हैं, इतना पैसा कब से होने लग गया भाई इधर? दोस्तों सेकंड टाइम ड्राइविंग यूलू, क्योंकि अभी हमारी गाड़ी चार्ज होने में कुछ 1.25 घंटा लग रहा है, तो हम कुछ खाएंगे जाके पास में। यूलू हमने उठा लिया क्योंकि अनंत व्यास का सजेशन है, क्योंकि आज है ऑल ईवी डे विच इज़ नाइस, बट कल मेरे को एक वीडियो बनाने जाना है, मेरे को नहीं पता मैं क्या बनाऊंगा। बस जा रहा हूँ, विच इज़ स्केरी बट इट्स ओके। अनंत ने भी ले ली भाई, तू छोड़ दे, तेरे को स्कैन करना, अनलॉक कर पैसे डाल लिए 100। हाँ बस किसी भी स्कैनर पे डाल दे, चले भाई चलते चलते ब्लॉक कर लेगा। नहीं दिव्यांगो भाई जी, मौज हो रही है, मौज हो रही है भाई। मेरी बाइक है जो कि रेस अच्छी है, ये उसका हॉर्न है यार, यारो दिखा और उसका सुनना जरा, छोटू जाएगा आगे। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, वो मंगी वाली सिगरेट अब दिल्ली की सड़कों में उतर चुका है। देखो वो भाग रहे हैं, हम देखो गाइस भले लोग हैं, हम रुक जाते हैं भैया के लिए। बोल रहा है बैटरी लो ये, बोल रहा है एंड कर दो अपनी राइड। साले देख के उठा भाई, मैंने देखी थी तब बोल रहा था 15 किलोमीटर चलेगी। ओ भाई अब क्या करना है फिर? मैं यू टर्न लेके फिर आता हूँ, तुम चलो या तो वेट कर लो। देख
हम कहाँ जा रहे हैं? रौनक भाई जा चुके हैं वापस, हम जा रहे हैं आगे मौज काटने। मैं कह रहा हूँ दिल्ली तो घूमने लायक जगह भाई। वो भाई इसमें तो मजा आ रहा है भाई, मुझे नहीं पता था दिल्ली हैपनिंग है। और क्या खाना खाए वो? उनकी बैटरी खत्म हो गई, वापस गए हैं वो चेंज करने। अब क्यों बैटरी खत्म? एक होता है होश में रहने वाला आदमी, क्या करें अब? यहाँ से वापस जयवीर सिंह से वापस आए। क्या हुआ? रिकॉर्ड होगा। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने इसको मारने का मन था, मैंने मार दिया, वो मान गया भाई। ये पैक नहीं है ब्रो। मैंने भी ले ली जो जोश में। इतनी बढ़िया थी क्या? नहीं मैंने भी जो जोश में ले ली। अच्छा हमने एक ही लिए वैसे, पागल है। हम चार लोगों ने एक लिए जो आपको हमारा पीछे छोड़ो जाओ। हाँ भाई हम लोग वापस आ चुके हैं और अब हमारी गाड़ी जो है फुल चार्ज हो चुकी है और हमने भाई उसका बिल उठा दिया 2000 कुछ खाने में, फिर 200 रुपये कुछ डिजर्ट में। मज़ा आ गया आज, मुझे अच्छा लगा। तो दोस्तों कुछ सवा घंटे के चार्ज के बाद हमारी गाड़ी चार्ज हो गई है 94% और बस अब कल की तैयारी है। लेट घर पहुंचेंगे, सुबह सुबह जल्दी निकलेंगे, मगर ये लाइफ है हमने चुनी है, हमें मज़ा आता है घूमने फिरने में, मौज मस्ती करने में। मेरा रैप इंतजार मैं खत्म करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कमेंट बाय। बेसिकली ये बदतमीज गाड़ी है, बदतमीज आदमी की। ये लगा है, यही लगा है, लगा थोड़ी लगा नहीं, यही यही घुसेड़ा है, मारा है, ये मारा है।